बसमानरिम डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और अहम करने वाला है आई होप यू आर विल बी फाइन एंड टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर फाइव हेयर आई टीच यू द लाइफ साइकल ऑफ़ आ बक्टेरियो फेज बक्टेरियो फेज से आप सब वाक़ हैं ना बक्टेरियो फेज ऐसे वायरस को कहते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करता है सो so, हमने डिस्कस करना है कि ये वायरस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जा के किस तरह से अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है ये जनरल है इसको हम फिर हर वायरस के लिए अप्लाई कर सकते हैं सो so, सबसे पहले बैक्टीरियो का जो स्ट्रक्चर है ये आपकी बुक पे बना हुआ है इट इज़ अ टेड पोल लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो ऊपर वाला सिरा आपको नज़र आएगा बुक में मैं उसको जो है वो हाईलाइट करके आपको सेंड कर रहा हूँ थोड़ी देर तक उसको हमने हेड कहना हेड है, के अंदर जो है वो उसका न्यूक्लिक न्यूक्लिकसड होता है उसके बाहर की तरफ एक प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कोर का भी नाम देते हैं फिर उसका जो दूसरा हिस्सा है उसे हम टेल फाइबर्स का नाम देते हैं और जहाँ पे ये हेड जो है वो ख़त्म होता है वहाँ पे एक बेस प्लेट अटैच होती है एक साइड पे बेस प्लेट और दूसरी साइड पे कॉलर ये स्ट्रक्चर ऐसा है जो आपने मैट्रिक लेवल के ऊपर भी किया हुआ है अब आते हैं यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो पांच स्टेप्स जो कि बैक्टीरिया के, के लाइफ साइकिल में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं उनमें सबसे पहला जो स्टेप है दिस इज़ कॉल्ड अटैचमेंट अटैचमेंट में क्या होता है कि वायरस जो है उसने अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर जाके किसी ना किसी जगह पे जुड़ना है जब मैंने किसी ना किसी जगह लफ्ज़ बोला तो इसका मतलब ये है कि वो साइट उस जगह को क्या बोलेंगे साइट वायरस जो है वो अपने आप को होस्ट की रिसेप्टर साइट के ऊपर जाके अटैच करता है अब अटैचमेंट के बाद उसके अंदर से कुछ ऐसे इन्ज़ाइम्स खारिज होते हैं जो अपने होस्ट की सेलवाल को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं जैसे वो अपने होस्ट की सेलवाल को ब्रेक करेगा तो उसको जगह मिल जाएगी उस होस्ट की बॉडी में दाखिल होने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेनिट्रेशन अब वायरसेस जो हैं वो क्या करते हैं कि या तो अपना सिर्फ डीएनए जो है वो इंजेक्ट करते हैं अपने होस्ट के अंदर या फिर जो है वो मकम्मल तौर पर जो है कुछ वायरसेस वो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं सो ये दो मराइल कम्प्लीट हो गए पेनिट्रेशन। जैसे ही वायरसेस जो हैं वो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो उसके बाद वो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है जो उसकी रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उसका कंट्रोल हासिल कर लेंगे और जब वो उसका कंट्रोल हासिल कर लेंगे तो उसको इस्तेमाल में ला के वो अपनी तादाद को बढ़ाने का सबब बनेंगे और इस प्रोसेस को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि ये दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे ना एक फ़िगर दिया हुआ है आपने उसको ज़रा रीड आउट करना है ताकि आपको पता चल जाए कि उसने आपको बताया हुआ है कि कितने वक़्त में वायरसेस जो हैं वो अपने जैसे कितने वायरसेस जो हैं वो बना देते हैं बहुत थोड़ा सा वक्त और उसमें देखे आपने पढ़ना है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि कितने टाइम में कितने वायरसेज जो हैं वो नए बन चुके होते हैं अच्छा जब होस्ट जो है उसके सेल में दाखिल जो है वो सिर्फ एक वायरस हुआ था लेकिन अब उनकी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है तो फिर जो है वो होस्ट सेल जो है उसमें बहुत ज़्यादा वायरसेस होने की वजह से वो फट जाता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइसिस क्या बोलेंगे इसे लाइसिस और एक साइकिल शुरू हो जाता है लिटिक साइकिल इसे हम कहते हैं अब ये लिटिक साइकिल क्या करेगा इसमें जो वायरस रिलीज हुए हैं होस्ट से बाहर निकले हैं वो जाके फिर दूसरे जो होस्ट के सेल्स हैं उनको वो इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे तो ये जो है ना इसको हम कहते हैं लिटिक साइकिल ये शुरू हो जाता है ये लिटिक साइकिल जो लिखा हुआ है ठीक है और जो फेजिज अब होस्ट से रिलीज़ हो रहे हैं दे आर कॉल्ड वायरुलेंट क्योंकि वो आगे डिजीज़ जो है वो काज कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे ट अच्छा इसमें ना इसके पैरल एक मरहला ये भी आता है समटाइम्स इट आल्सो हैपन्स के वायरसेस जो हैं वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द कंट्रोल ऑफ बायोसिथेटिक मशीनरी एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग वो मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि वो होस्ट की क्रोमोसोम के अंदर जाके इनकारपोरेट कर जाते हैं और वहीं पर मौजूद रहते हैं इस फेज को हम कहते हैं इस, इस कंडीशन को हम कहते हैं लाइसो जिन्हें और वो फेज जो होस्ट के डीएनए में इनकारपोरेट कर जाता है उसे हम कहते हैं प्रोफेज क्या बोलेंगे उसे प्रोफेज अब वो क्या है कि वो अपने होस्ट के डीएनए में मौजूद तो है बट वो उसके अंदर जो है वो मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा बल्कि बिल्कुल चुप करके ना उसकी बॉडी के अंदर ही रहता है और फिर जब उसकी रिप्रोडक्शन होती है नॉर्मल तरीके से तो वही वायरस जो है वो जो उसके डीएनए के अंदर मौजूद था वो अगले नस्ल में मुंतकिल हो जाएगा फिर वहाँ से वो अगली नस्ल, इस तरह वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता जाएगा कि अनटिल एक ऐसी स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं इंडक्शन इंडक्शन जब होती है तो वो डी एन ए जो नस्ल दर नसल अपने होस्ट के अंदर मौजूद है वो वा उस जो होस्ट है उसके डी एन ए से अपने आप को डीटैच करता है और अपने आप को डीटैच करने के बाद वो दोबारा से वही काम शुरू कर देता है यानी कि वो अपनी तदाद में अजाफे का सबब बन जाना ब, आ, सबब बनता है और दोबारा से वो मल्टीप्लिकेशन दोबारा से वो लाइसेंस जो है वो शुरू हो जाती है इस तरह होस्ट का अपने हो, जो आपका वायरस है उसका होस्ट से अलग हो जाना और दोबारा से जो है वो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देना इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन इंडक्शन ठीक है ये आपने अपनी बुक से पढ़ना है इंडक्शन लफ़स तो आपको समझ आ जाएगा कि इंडक्शन से क्या मुराद है ठीक है तो ये तमाम आज के लाइफ साइकिल में आपने चीज़ें थी जो देखनी है इसमें सबसे पहले अटैचमेंट अटैचमेंट के बाद जो स्टेप है वो है पैनीटेशन अटैचमेंट पहले अटैच होना उसकी बॉडी के साथ पैनीटेसन फिर उसके अंदर बॉडी के अंदर दाखिल हो जाना फिर वो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई करना और जब मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जाए तो उसका लाइसिस फट जाना वो सलवाल होस्ट की फाड़ के बाहर आ जाता है जब बहुत सारे जो है वो वायरसेज रिलीज़ हो जाएंगे और लाइसिस के बाद जो है वो शुरू करता है लाइसोजिनी लाइसोजिनी जो है उसमें मैंने आपको बताया कि ये तमाम वायरसेज नहीं करते बल्कि कुछ वायरसेज जो हैं वो होस्ट कि बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है उसको इस्तेमाल करने की बजाय वो उसके डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं और इसे हम लाइसोजीनी कहते हैं ठीक है और इस फेज को हम फेज वो आपने यही समझना है कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उस फेज को हम कहते हैं प्रोफेज फिर सम टाइम्स वही वायरसेस जो हैं वो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी से अलग होकर इंडक्शन शुरू कर देते हैं इंडक्शन का मतलब ये है कि वो दोबारा से अपने आप को डी करते हैं क्रोमोसोम से और अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो शुरू कर देते हैं सो दिस इज़ आल अबाउट द लाइफ साइकिलोफा बैक्टीरियो फेज आई होप आप को ये समझने में कुछ हेल्प आउट हो जाएगा और बाकी जो है वो आप इसकी रीडिंग करें जो भी आपके क्वेश्चन हैं इन शाला में उसे मज़ीद क्लियर कर दूँगा अल्लाह हाफिज़